पलक कहीं कि ए प्लेटफॉर्म चूज कर सक्सेस पाए वापिस आउट तो किसी भी करी पर थम तो कौन छोटे बोलो इन्हीं साथ थिला ना एमती परिवार लोग को फोर्स कर ले किसी समिति का ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि मिस इंडिया नैन तारा ओडिशा का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सारी लड़कियों के लिए चाहे वो किसी भी कास्ट की हो किसी भी कलर की हो यहाँ पे भेदभाव नहीं होता और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके कुछ सीख सकते कोई नया चीज़ जैसे हम लोग का जैसे टास्क सब होता है ब्यूटी विथ पर्पस हम लोग प्राइड डे सेलिब्रेट किए जो कि यहाँ के लोग जानते भी नहीं है प्राइड डे होता क्या है तो हम लोग वही सब चीज़ के लिए ये प्लेटफॉर्म चूज़ की और शाश्वत सर जैसे बड़े सेलिब्रिटी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको यहाँ पे तो आ... इसलिए ताले आशा तो आनी नहीं हाँ क्योंकि इसमें हम लोग जैसे मैं प्राइड डे के बारे में बोली यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्राइड डे के बारे में जानते भी नहीं है वो एक चीज़ होता है जहाँ पे लेस्बियन और ट्रांसजेंडर इन लोग सबको लेके वो डे बनाया जाता है जो यहाँ पे कोई उनको वैल्यू नहीं करता तो एक महीने का वो दिन सेलिब्रेट किया जाता है जो कि हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेट किए हमारे टास्क के बीच में तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग भी वो सब चीज़ों को मानते हैं हम लोग वो सबको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इन लोग जैसे कि फ़ातिमा एक ट्रांसजेंडर वूमेन है तो हम उसको कभी नीचा नहीं दिखाते हमारे आ, मतलब हम लोग जो अभी मिस इंडिया नैंतारा जो है वहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता सबको एक समान मान के हम लोग चलते हैं <laughs>